सीरियल जननी एआई की कहानी में कार्तिक और तारा दोनों आते हैं डेट पर और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कहता है कि मैं केवल तुम्हारी शर्त के लिए यहाँ पर आया हूँ। बोलती है तारा कि देख रही हैं वो दोनों, बताओ कि नहीं हम सही में एक्टिंग करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी इस शर्त में साथ दूंगी तो तुम मैं जो कहूँगी वह करोगे। वह बोलता है ठीक है अभी तो मेरी शर्त में साथ दो। दोनों देख रही हैं, दोनों को चिढ़ाना है तभी वह पास्ता आ जाता है। वह कहती है कि अगर ये दोनों देख रही हैं तो पास्ता तो मेरा फेवरेट है, चलो हम खाते हैं। और फिर दोनों खाने लगते हैं। उसके बाद वह कहता है मैं फालूदा मंगवाता हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम पियोगी। वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारी शर्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने शर्त को दिल से ले लिया है, एकदम रियल जैसी डेट लग रही है। पॉली मौली को पकड़ती है, वह बोलती है मैं जाती हूँ इस तारा को पीट दूंगी और इसे यहाँ से भगा दूंगी। वह उसे पकड़ लेती है कि नहीं ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगी तो हम शर्त हार जाएंगे। हमने लगाई थी शर्त कि वह डेट पर जाएगी कि नहीं और वह चली गई है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए, चुपचाप यहीं से देखना चाहिए। तब वह उसका हाथ पकड़ कर कहती है ठीक है तुम आज शर्त जरूर जीत जाओगे और उसे एक गुलाब का फूल देती है। वह खुश हो जाता है, कहता है कि यह रियल डेट है। और लेकिन वह सुन नहीं पाती, फिर दोबारा वह नहीं दोहराता, कहता है अगर तारा सुन लेगी तो यहाँ से चली जाएगी। और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। कहती है तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हारी बात मानी है। वह चुपचाप सोचती है कि कहीं ये सही बात तो नहीं है, लेकिन फिर वह उस बात को इग्नोर कर देती है और कहती है ठीक है अच्छा तुम्हारे लिए मैंने किया है, मैं कल बताऊंगी कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। हाथ में हाथ रखकर उससे प्रॉमिस लेती है कि जो मैं कल कहूंगी वह तुम जरूर करोगे। दोनों खड़े हो जाते हैं जाने के लिए और उससे कहती है कि सुनो तुम मेरी इस बात को भूल मत जाना, मैंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हें भी कल मेरा साथ जरूर देना पड़ेगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कभी फिर तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। दोनों देख रही होती हैं।